हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोड एंड पैरिटी में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रे कोड के बारे में। तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ था, इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो कैसे क्वेश्चन करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आया है, वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ और इसका सोल्यूशन भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो जो देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रे कोड। ग्रे कोड पे हमने शॉर्ट नोट लिखना है। ये नवंबर 2019 में पीएसबीटी बोर्ड को, जो पंजाब स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, डिप्लोमा कर रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। और जो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रे कोड ऐसे भी आ जाए तो फिर भी वो दिसंबर 2017 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोनों का आंसर सेम ही लिख के आना है और दोनों के मैंने इस हिसाब से लिखा हुआ है कि थ्योरी इस हिसाब से लिखा है कि दोनों कवर हो जाते हैं। सबसे पहले आता है सर ग्रे कोड क्या है। तो मैंने बताया था जो ग्रे कोड है वो किसकी टाइप है, नॉन वेटेड कोड की। तो नॉन वेटेड कोड कौन से होते हैं, जिनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती। तो ग्रे कोड आपने लिखना है नॉन वेटेड कोड होता है और इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती, वो मैंने आपको बताया हुआ है। आप वीडियो जरूर देखिए डिफरेंस बिटवीन वेटेड कोड एंड नॉन वेटेड कोड में। तो ये नॉन वेटेड की टाइप है और इसका इट इज नॉट सुटेबल फॉर अर्थमेटिक कोड। अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इसकी साथ करना चाहो तो वह सुटेबल नहीं है। तो इसलिए ये अर्थमेटिक कोड तो नहीं है। अर्थमेटिक कोड का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आगे आता है एडवांटेजेस क्या है इसकी। तो एडवांटेजेस ग्रे कोड की सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये है कि इसमें एक ही बिट जो है वो ओनली वन बिट चेंज इन होल कोड सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस है उसमें एक ही बिट चेंज होगी तो ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। इसी एडवांटेज से, इसी प्रॉपर्टी से इसकी एप्लीकेशन हम पोजिशनल इनकोडर में जो है यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, क्या, जैसे मैंने बोला वन बिट ही चेंज होती है, तो सर कैसे, बताइए वन बिट चेंज हो रही है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं, देखना अभी। जैसे कि डेसिमल मैंने 0 से 7 तक लिख लिया है, ठीक है। अब बाइनरी लिखना चाहता हूं तो मैंने डायरेक्ट आपको एक चीज बताई थी कि आपने 4 बार 0 लिखना है, ठीक है, मैंने बताया था, और 4 बार 1 लिखना है, ऐसे बताया था जल्दी जल्दी से। फिर 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, ऐसे बताया था। और उसके बाद क्या बताया था मैंने, और उसके बाद मैंने बताया था आपको 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1। तो ये 0 से 7 तक कवर हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पर जो 4 है वो 0 डाल देनी है, क्योंकि हमें कितना कोड चाहिए, ग्रे कोड चाहिए। तो ऐसे मैं बना देता हूँ। तो ये हमारा एक बाइनरी कोड है, इसको मैं ग्रे कोड में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो देखा जाए तो देखिए, जहां पर ये दोनों में, ये दोनों जो जितने भी है इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब ये देखिए, इस दोनों में देखिए जिससे आपको कवर होगा, यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 0 का ये क्या बना हुआ है, ये 1 बना हुआ है। तो ओनली 1 बिट चेंज हुई है, ओनली 1 बिट चेंजेस। तो यही मैं बोल रहा था कि एक ही बिट चेंज हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको, यही इसकी एडवांटेजेस है जो मैं बोल रहा था कि ग्रे कोड में ओनली 1 बिट, एक ही बिट जो चेंज होती है कोड में, तो ये इसका एडवांटेजेस था। तो सर ऐसे आपने बना तो दिया पेपर में, ऐसे बाइनरी का तो आपने ट्रिक बता दी कि ऐसे करते हैं, सर ग्रे कोड की भी ट्रिक बता दीजिए, ठीक है। पर ग्रे कोड की कोई ट्रिक नहीं होती, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम ग्रे कोड को, बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार कर लेते हैं, आपको इजी पता चल जाएगा। जैसे आपके पास यही कोड है 010, तो ये वाला आपके पास कोड है, फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो, कौन सा भी कोड ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं 01, कोड कौन सा है, स्टार्टिंग वाला लेते हैं 0110। ये हमारा किसमें कोड है, बाइनरी में है। तो आपने लिखना है कि हमने इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करके लेकर आना है, कैसे करेंगे वो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं।
देखिए हमारे पास है 0010, यही है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैसे है, इसका रूल क्या था, 10 ऐसे रखना है, फर्स्ट आपने ऐसे रखना है, फिर उसके बाद सेकंड इन दोनों को ऐड करना है। अगर इन दोनों को ऐड करोगे, 0 + 0 कितना होता है, 0 ही होता है, वो नीचे लिख देना है, मीन इसके नीचे आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 + 0 1 होता है। तो ये जो हमारा ग्रे कोड बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्रे कोड। ये मैंने यही बनाया हुआ है, देख लीजिए 0011। तो इसका कोड क्या बन गया, 0011। तो ये किसका बन गया, 0010। इसका कोड जो है वो हमारा ग्रे कोड 0011 ग्रे कोड बन जाएगा। एक और देख लेते हैं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाए हैं, मैंने सीधा लिख दिए हैं, तो आपको अगर पेपर में टेबल भी नहीं आता तो आप ऐसे कोई भी एग्जांपल जो है बना के लिख के आ सकते हो। तो कोई भी कोड अपनी मर्जी से ले लेते हैं, मैं यहाँ लास्ट में ले रहा हूँ इसका। इससे मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसे कोड बनते हैं। तो 0111 है, तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोड आ गया 0111 0111। इसका कोड बाइनरी में है, इसको हमने ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। ऐसे आप पेपर में लिख के आना है, एक दो एग्जांपल लिखाओगे और थ्योरी लिखाओगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो 0111 ये है आपका। अब इसको कैसे करेंगे, पहले 0 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 0 + 1 कितना बनेगा, 1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 1 + 1, और 1 + 1 10 होता है, तो ये वाला जो कैरी है इसको हम नहीं लेंगे, कैरी को हम नहीं लेंगे, ओनली ये वाला लेंगे। तो हमारा 0 यहाँ पे आ जाएगा। कैरी को क्या कर देना है, कैरी को डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड का मतलब होता है हमने नहीं लेना। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 1 10 होता है, 10 का 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है कोड बन जाएगा, सॉरी ये हमारा ग्रे कोड बन जाएगा। तो ऐसे ही हम देख लीजिए यही बना रहे थे लास्ट में जो बनाया था कोड, ये देखिए 01000। तो यही हमारा कोड 01000 लास्ट वाले का, यही कोड बना 0111 मीन 7 का जो कोड है ग्रे कोड हमारा 0100 बन जाएगा। तो यहां पर ऐसे हम इसको करते थे, ऐसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि टेबल बना के ही आना है, जैसे मैं बोल रहा था टेबल, अगर टेबल बनाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं टेबल बनाना आता तो मैंने कन्वर्ट करना बता दिया है। कोई भी एग्जांपल देके आपने ऐसे कन्वर्ट करके भी लिखाना है तो फिर आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर टेबल बनाना आ जाए तो अच्छी बात है, तो फिर भी आपको अच्छे मार्क्स जो है वो देखिए कितना लेंथी बन गया है। इस लेंथ से आपको अच्छे मार्क्स जो है एग्जामिनर देगा ही देगा। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। और इसकी जो PDF है JK Smart Classes PSBT paper.com पे आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।